जय हिंद दोस्तों। दोस्तों जैसा कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में पुंछ के सोरन कोट में आतंकियों ने एयरफोर्स के व्हीकल पर घात लगाकर जो हमला किया है उसमें स्टील की गोलियों का इस्तेमाल हुआ है। ये गोलियां अमेरिकन निर्मित M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल और AK-56 राइफल के द्वारा दागी गई है। लेकिन यही नहीं, इसके अलावा भी ऐसे कई हमले हुए हैं जिसमें स्टील की गोलियों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे 2017 में पुलवामा के लेथपोरा स्थित CRPF कैंप पर हुए हमले में जैसे मोहम्मद के आतंकियों द्वारा आर्मर पियर्सिंग इंसेंड्री यानी स्टील की गोलियों का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। इसके बाद जो भी हमले हुए हैं उसमें खासकर स्टील की गोलियों का इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसे में चलिए समझते हैं स्टील बुलेट इतनी खतरनाक क्यों होती है और ये टेररिस्ट के पास कहाँ से आ रही है। दोस्तों ऐसे में आपकी जानकारी के लिए बता दें, स्टील की गोलियां नॉर्मल गोलियों के मुकाबले ज्यादा घातक होती है, यानी स्टील बुलेट आम बुलेट से थोड़ा अलग होती है। ये एक खास तरह की स्टील से बनाई जाती है जिस वजह से ये बहुत घातक हो जाती है। यहाँ तक कि स्टील बुलेट एक बुलेट प्रूफ जैकेट तक को भेद सकती है। वहीं एक नॉर्मल AK-47 राइफल या किसी दूसरी राइफल में इस्तेमाल की जाने वाली बुलेट में आगे का हिस्सा तांबे का बना होता है और ये आमतौर पर बुलेट प्रूफ स्टील या बुलेट प्रूफ ग्लास को पार नहीं कर पाते। लेकिन स्टील बुलेट के साथ ऐसा नहीं है, बल्कि ये 6-7 इंच मोटी स्टील के चादर या बुलेट प्रूफ जैकेट को भी आसानी से पार कर सकती है। तो ऐसे में चलिए जानते हैं टेररिस्ट को ये बुलेट देता कौन है। दोस्तों ये पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा पाकिस्तान द्वारा दिया जाता है। आतंकियों की ट्रेनिंग से लेकर हथियार तक पाकिस्तान की तरफ से ही भेजे जाते हैं। पिछले कुछ सालों में कश्मीर में आतंकियों द्वारा स्टील बुलेट का इस्तेमाल बढ़ा है। इसके पीछे भी पाकिस्तान का ही हाथ है। पहले पाकिस्तान को ये बुलेट्स चीन द्वारा दी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान ये बुलेट्स खुद ही बना रहा है। इसके लिए चीन द्वारा पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी दी गई है। वहीं स्टील बुलेट्स स्विस आर्मी के कर्नल एडवर्ड रुबिन द्वारा साल 1982 में बनाई गई थी और इसका इस्तेमाल साल 1986 में फ्रांस में पहली बार किया गया था। लेकिन आर्मी या किसी दूसरी फोर्सेस में आर्मर पियर्सिंग इंसेंड्री यानी स्टील बुलेट का इस्तेमाल गैर कानूनी है। यहाँ तक कि नेटो ने भी स्टील की गोलियों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। बस चीन और पाकिस्तान में ये गोलियां ज्यादा इस्तेमाल में लाई जाती है। वहीं स्टील की गोलियों की मारक क्षमता 200 से 300 मीटर के आसपास होती है, इसलिए टेररिस्ट ग्रुप इसका इस्तेमाल नजदीक की लड़ाई में करते हैं यानी क्लोज कॉम्बैट, और मात्र कुछ मीटर की दूरी से खासकर AK-47 या इसी सीरीज की किसी दूसरी राइफल से इसका फायर किया जाता है। और जब लेवल 3 वाले बुलेट प्रूफ व्हीकल जैकेट और पटका आदि पर ये गोलियां दागी जाती है तो वे आर पार चली जाती है, और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने व्यक्ति पर गोलियां चलाने से गोलियां आर पार भी हो जाती है। वहीं मौजूदा समय में हर जगह पर लेवल 4 बुलेट प्रूफ जैकेट या सुरक्षा नहीं है, क्योंकि इसका इस्तेमाल कुछ खास ऑपरेशंस में ही किया जाता है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि गवर्नमेंट और सेना इसको लेकर क्या कदम उठा रही है। दोस्तों स्टील बुलेट या इससे भी ज्यादा घातक हथियारों से अपने जवानों के बचाव के लिए भारतीय सेना लगातार नई तकनीक के इस्तेमाल की कोशिश कर रही है। साथ ही स्टील बुलेट को रोकने वाली जैकेट्स की खरीद सेना कर रही है, क्योंकि स्टील की गोली का वार झेलने की क्षमता लेवल 4 बुलेट प्रूफ शील्ड में होती है। लेकिन इंडियन आर्म फोर्सेस के ज्यादातर बुलेट प्रूफ व्हीकल जैकेट और पटका लेवल 3 क्लास के हैं और लेवल 4 का इस्तेमाल अभी कम होता है। ऐसे में अभी भी सेना को ऐसी गोलियों से बचने वाली जैकेट देने में कई सालों का समय लग सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में जवानों को ये जैकेट देनी होगी। वैसे हाल ही में कश्मीर में आतंकियों द्वारा जिन गोलियों का इस्तेमाल किया गया है ये गोलियां अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में छोड़ गई थी, जिनमें से कुछ पाकिस्तान के रास्ते कश्मीर पहुंची हैं और टेररिस्ट को मिली है। और कई बार भारतीय सेना के जवानों द्वारा टेररिस्ट के पास से स्टील बुलेट्स के साथ ही अमेरिकन राइफल भी मिली है जो अफगानिस्तान में अमेरिकन सेना छोड़ आई थी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है अब आपको ये पता चल गया होगा कि स्टील बुलेट और नॉर्मल बुलेट में क्या फर्क होता है और ये टेररिस्ट को कहां से मिल रही हैं। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर ऐसी और भी कई वीडियोस मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद जय भारत।